धार जिले के जनपद पंचायत धर्मपुरी के ग्राम पंचायत पिपलदा गढ़ी में सरपंच पद प्रत्याशी हीरालाल पिता फूल सिंह के द्वारा तहसीलदार को आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाते हुए कहा कि समय अवधि समाप्त होने के बाद भी एक प्रत्याशी के द्वारा सरपंच पद हेतु फार्म जमा किया गया, जो कि गलत है। पंचायत चुनाव को लेकर आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 20/12/2021 दोपहर 3 बजे तक की थी, लेकिन सरपंच प्रत्याशी अर्जुन पिता जाम सिंह निवासी पिपलदा गढ़ी द्वारा आवेदन जमा करने हेतु टोकन प्राप्त कर रात्रि 10:30 बजे जमा किया गया, लेकिन गलती होने से निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायत पिपलदा गढ़ी द्वारा फार्म वापस दे दिया गया, परंतु रात 7 घाट कर दस्तावेज तैयार कर 3 बजे रात को फार्म दबाव बनाकर जमा कराया गया तथा पंच के फार्म भी समय अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद दबाव बनाकर जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी मौखिक शिकायत निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार धर्मपुरी को की। शिकायतकर्ता का कहना है कि कृत्य लोकतंत्र चुनाव पर कलंक है। यह भी कहना है कि सरपंच पद प्रत्याशी के फार्म की जांच कर आवेदन फार्म जमा किया गया वह तत्काल निरस्त किया जाए। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। 20 तारीख अपने 2021 है ना, तो मैंने फार्म जमा करने के बाद हमारे जो प्रत्याशी थे दूसरे पक्ष के, उन्होंने जमा करे फार्म, तो प्राप्त करने के बाद में वो गलती कुछ मालूम पड़ी है, तो हमने ने उसके खिलाफ़ शिकायत करी है। तो हमने ये शिकायत करी है कि भाई ये फार्म जमा करने के बाद वापस कई गलती उसमें तो वापस रिटर्न हो गए थे फार्म, उसके बाद में हमने ये तहसीलदार को ये आवेदन दिया है कि ये फार्म वापस जांच किया जाए, और उन्होंने रात्रि 3 बजे वापस जमा करा है, इसलिए हम जानकारी चाहते हैं कि भाई ये वापस जांच कर किए जाए और सही तरीके से ये हुआ। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।